आप देख सकते हैं बिल्कुल घर से ही चेंज करके आए सुल्तान वॉरियर्स के कप्तान जहांगीर लोन ग्राउंड में आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नए व्लॉग में आपका खैर मकदम है। आज WPL का फाइनल खेला जाएगा अलीजाना क्रिकेट क्लब और सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के दरमियान। तो आज हम देखते हैं कैसा माहौल है तारजुआ शेखुल आलम स्पोर्ट्स फील्ड में। तैयारियां बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं लोग भी पहले आ चुके हैं। तो अभी टीम्स नहीं आई हैं, टीम्स का वेट हो रहा है। तो जैसे ही टीम्स आएंगी मैच स्टार्ट होगा। ये आज के मैच के लिए विनर्स ट्रॉफी है और रनर्स अप ट्रॉफी है। यहाँ पे गेस्ट गैलरी है, आज के जितने भी गेस्ट होंगे वो यहाँ पे तशरीफ रखेंगे। ऑफिशियल कमेंट्री बॉक्स आज के फाइनल के लिए। आज के मैच के लिए सारे वॉलंटियर्स तारजुआ के लोकल लड़के जो फुटबॉलर हैं क्रिकेटर हैं, यहाँ से दर्शकों का आपको मैं नज़ारा। डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर सारे तमाशाई बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं मैच कब स्टार्ट होगा। जैसे ही मैच स्टार्ट होगा हम आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरह का माहौल है। तो ठीक ऐसे भी ये यहाँ पे हैं, सारे स्टॉल्स लगे हैं आज के मैच के लिए। तमाम तर खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं, डिसिप्लिन के साथ सारे तमाशा। ये हैं हमारे वॉलंटियर्स 11 स्टार्स तारजुआ के वसीम, एक मेन बैट्समैन इंजी के नाम से मशहूर है। ये है आबिद मजीद। ओके आबिद भाई, आज किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं अलीजाना को सपोर्ट कर रहा हूं। ओके सलीम भाई, फैन हूं मैं अलीजाना। किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं ब्रो? आरिफ पटेरिया को सपोर्ट करता हूं। सुल्तान वॉरियर्स। ओके आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं भाई? क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा हूं। ओके अच्छा मैच देखने ओके के लिए आई यहां पे आज। ओके तो अलीजाना क्रिकेट क्लब की टीम के प्लेयर्स आ चुके हैं। कश्मीर का जाना माना नाम गुलजार गुली और ये आप देख सकते हैं अलीजाना क्रिकेट क्लब के वॉलंटियर्स भी आ चुके हैं। ये इनका डग आउट है, वहाँ पे बैठेंगे, बाकी प्लेयर्स भी अभी आएंगे। तब तक हम थोड़ा पिच का देखते हैं, पिच कैसा है आज। तारजुआ के लेजेंडरी क्रिकेटर्स आज के मैच के वॉलंटियर्स। ये है मैच के लिए आज का पिच, बैटिंग पैराडाइज, कश्मीर वैली का सबसे बेहतरीन बैटिंग विकेट और सबसे बेहतरीन ग्राउंड है ये। मुश्ताक साहब भी अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, जेके स्पोर्ट्स टाइम के ओनर। आप देख सकते हैं लोग, अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ है, कितने लोग आए, अभी तादाद बढ़ेगी, मैच में मजा आने वाला है। आइए चलते हैं सुल्तान वॉरियर्स के डगआउट में। अभी प्लेयर्स नहीं आए हैं लेकिन डगआउट को बिल्कुल अच्छी तरह से सजाया जा रहा है। थोड़ा सा इधर का भी नज़ारा देखते हैं। उमर सोफी तारजुआ के लेजेंडरी ऑलराउंडर इस डगआउट की कमान संभाले हुए हैं। नाना ये है आज के मैच के ऑफिशियल्स, सोहेल भाई और तनवीर भाई। आपने देखा होगा सारे मैचेस में इन्होंने ऑफिशिएट किया, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त अंपायरिंग की। तनवीर भाई कैसा फील कर रहे हैं आज? बहुत ही बढ़िया, गुड लक बॉयज। धीरे धीरे सारे प्लेयर्स आ रहे हैं अलीजाना क्रिकेट क्लब के। आसिफ रसूल साहब आ चुके हैं, लेजेंडरी क्रिकेटर कश्मीर के, परवेज रसूल के भाई। कश्मीर के लेजेंडरी ऑलराउंडर आकिब मीर भी आ चुके हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल घर से ही चेंज करके आए।
आबिद साहब बड़े फैन हैं आकिब मीर साहब के, सुल्तान वॉरियर्स के प्लेयर भी धीरे धीरे आ रहे हैं, आजम लेफ्टी, वसीम काचू, सुल्तान वॉरियर्स के कप्तान जहांगीर लोन ग्राउंड में आ चुके हैं। तो आज के फाइनल के लिए टॉस होने जा रहा है, अली जना क्रिकेट क्लब के कप्तान आसिफ रसूल आ चुके हैं और दूसरी तरफ है जहांगीर लोन, टॉस देखते कौन जीता है। टॉस होने जा रहा है, देखते हैं टॉस कौन जीता है। सुल्तान वॉरियर्स पहले बैटिंग करेंगे टॉस जीतकर, तमाशाइयों की तादाद बहुत ज्यादा है आज, सब लोगों को उम्मीद है कि मैच अच्छा होगा आज। आप भी बने रहिए लास्ट तक, वीडियो देखें जरूर, मैं आपको हाइलाइट्स दिखाऊंगा, जो भी मेन यहाँ पे एक्टिविटीज होंगी, मेन इवेंट्स होंगे वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। काफी जोश है आज के तमाशाई में, सुल्तान वॉरियर्स का पलड़ा भारी है तमाशाई की अगर तादाद ये बात करें। अली जाना की टीम पहले फील्डिंग करेगी, तो टीम आ चुकी है मैदान में, बिल्कुल रेडी है आज के मैच के लिए पूरी टीम। अंपायर्स थोड़ा इंस्ट्रक्शंस देते हुए आज के मैच के लिए दोनों ही कप्तानों को,